दुनिया का सबसे अमीर मंदिर लेकिन भगवान सबसे गरीब, आज तक नहीं चुका पाए कर्ज। दोस्तों, भारत मंदिरों का देश है, यहाँ पर जितने मंदिर उतने ही उनमें रहस्य और अलग अलग मान्यताएं छिपी हैं। मंदिरों में आस्था रखने वालों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। अनुमान के मुताबिक मंदिर के खजाने में 60,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। देश का सबसे अमीर मंदिर होने के बाद भी इस मंदिर के भगवान आज भी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे, जिस मंदिर में इतना धन दौलत होने के बावजूद इस मंदिर के भगवान इतने गरीब कैसे हैं, जो आज भी कर्ज उतार रहे हैं। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले भगवान वेंकटेश्वर आखिरकार अपना ही कर्ज क्यों नहीं भर पाए, बताते हैं आपको। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है, जिसके अनुसार बालाजी धन के देवता कुबेर के कर्जदार हैं। कथा के अनुसार एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में पधारे, जहां पर भगवान विष्णु निंद्रा की मुद्रा में शेषय्या पर लेटे हुए थे। तभी भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मारी। ऋषि के लात मारते ही विष्णु जी ने तुरंत भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। विष्णु जी की इस सहनशीलता से भृगु ऋषि को लज्जा आ गई और कहा कि समस्त यज्ञ के प्रमुख और वास्तविक अधिकारी आप ही हैं, लेकिन ये सब देवी लक्ष्मी के सामने हो रहा था। यह देखकर वह भृगु ऋषि और विष्णु जी से नाराज हो गई। विष्णु जी ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया, इस बात से नाराज देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गई और कन्या के रूप में एक राजा के घर जन्म लिया। उन्हें ढूंढते ढूंढते विष्णु जी भी धरती पर आ गए और वेंकटेश के रूप में कन्या पदावती के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने पदावती और उनके पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन धरती की मान्यताओं के अनुसार एक राजकुमारी से विवाह के लिए विष्णु जी को धन की जरूरत पड़ी, जो कि उनके पास नहीं था। तब उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से काफी मात्रा में कर्ज लिया और रानी पदावती संग परिणय सूत्र में बंध गए। कुबेर से कर्ज लेते समय विष्णु जी ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे और कर्ज की समाप्ति होने तक वे इस रकम का ब्याज या सूद चुकाते रहेंगे। इसी मान्यता के अनुसार बड़ी मात्रा में भक्त बालाजी को धन दौलत भेंट करते हैं।